Hey guys, welcome back to my channel. I'm sure आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एजुअल ध्यान रख रहे होंगे. सो गाइज, आज मैं आया हूँ मेटल जिम में, जहाँ पर मेरे गेस्ट हैं मिस्टर सागर तुगनेत. आज हम उनसे जानेंगे कि एक सक्सेसफुल एथलीट बनने का मंत्रा क्या होता है और उसके लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है. सो लेट्स गो गाइज. हाय सागर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड सागर. थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे व्यूअर्स को और मेरे को टाइम आज देने के लिए. सो सागर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप बाय चॉइस बॉडी बिल्डर हो या आप लेगेसी कैरियर हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सी, एक्चुअली शुरुआत से ही, बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था. ठीक है. एंड होता क्या कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपका सबसे पहला माइंड में थॉट ही होता है कि करियर में क्या करना है. जी. एंड उसमें ऐसा होता है कि आप अगर शुरुआत से उस चीज़ को शुरू करो तो आपका करियर में फिर ग्रोथ अच्छी होती है. राइट. जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मेरी और मेरे पेरेंट्स की उस टाइम पर थी, तो मेरे को लगता था कि जस्ट बिकॉज फिटनेस है मेरा बहुत अच्छा, मेरे पास बैकअप है और सब कुछ है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मेरे को उसमें जाना चाहिए. तो बाय चॉइस भी एंड लेगेसी कैरियर, लेगेसी भी मैं आगे कैरी कर ही रहा हूँ उस चीज़ को लेकर. वेरी नाइस. सो जैसा कि आपके डैड ऑलरेडी एक लेजेंड है फिटनेस इंडस्ट्री के, सो स्टार किड होने के आपको कोई बेनिफिट्स या नुकसान कोई होते हैं या कैसे रहता है? जी बिल्कुल, बेनिफिट भी है और नुकसान भी इसके बहुत है. नुकसान इन द सेंस कि मैं उसको नुकसान नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाती हैं सर पे. ठीक है. जैसे आपके पास अगर आपकी फैमिली में ही अगर सब फिटनेस फ्रीक्स हैं और उनमें अबंडेंस ऑफ नॉलेज है जी, तो आपको एक हेल्प मिल जाती है कि आपको पता है कि आपका पर्टिकुलर जर्नी क्या होगी, आपका रोड मैप क्या होगा, आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. बट देन क्या होता है कि जो परसेप्शन फिर ये बन जाती है कि इसको तो हर चीज़ इजीली मिली जाएगी. right. कि क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे आप नहीं बढ़ सकते. ठीक है, जेनेटिक्स का एक अलग रोल होता है, गाइडेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट मेहनत तो आप ही करनी है ना. सिर्फ जेनेटिक्स से तो कुछ होता नहीं है. ठीक है. हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं जो जेनेटिक फ्रीक्स हैं बट गाइडेंस अच्छी नहीं है तो वो नहीं बन पाते हैं. और वैसे भी मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली कि मैंने काफ़ी ऐसे एथलीट्स देखे हैं और जिनके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, उनमें हार्ड वर्किंग वो बहुत ज़्यादा है. okay. तो उस हार्ड वर्क की वजह से पीक पे पहुंच जाते हैं. अच्छा. तो मेरे को ये लगता है कि हार्ड वर्किंग होना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर कि आप जेनेटिक फ्रीक हो तो. बट देन यस, ये चीज़ है बिल्कुल कि लोगों को ये लगता है कि इसको इजीली मिल जाएगा हर चीज़, इसके लिए सब आसान है, घर में इसके फादर इतने अच्छे प्रेप कोच रहे हैं, इसकी मदर फिटनेस है, इसकी बहन भी फिटनेस फ्रीक है. बट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कैरी करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो एक परसेप्शन बन जाएगा कि यार घर में सब ऐसे ही ऐसा निकल गया. और right. बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जिसके घर पे एक अचीवर्स हों और वो अचीव ना कर पाए तो. ट्रू. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. अब पर्सनैलिटीज बहुत बड़े, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाओ, बट देन हाँ ऐसा होता है. ओके. सो सागर, अक्सर बोला जाता है कि किसी फ्लां को सिल्वर स्पून मिला, गोल्ड स्पून मिला, जिसका मीनिंग होता है कि उसको बाय बर्थ ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है. सो आपके सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या प्रोटीन स्कूप मिला? जी बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन स्कूप भी मिला, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब एक नॉर्मल घर का लड़का जब जिम जाता है तो जब प्रोटीन, आजकल अगर प्रोटीन का डब्बा कोई देखता है तो उसके माँ बाप वैसे ही चक्कर खा जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या मिला होगा, पता नहीं खाएगा इसे क्या हो जाएगा. एंड उसके बाद जब वही प्रोटीन का डब्बा वो डॉक्टर सुनता है तो बची कुची जो जो डर होता है वो भी डाल देता है वो उसके अंदर कि प्रोटीन खा लिया अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट देन क्या है कि नॉलेज का ये फायदा होता है कि आपको अगर पता हो तो एट द सेम हैंड हमारे पास नॉर्मल फिजिशियंस भी हैं जो, अब तो मुझे नहीं पता कि वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं नहीं करते जिम्स को और प्रोटीन को, बट पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे. और एट द अदर हैंड हमारे पास स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हैं जो उस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं. करेक्ट. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ जिम के लिए चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता. प्रोटीन आपको सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि आपके हॉर्मोन भी उससे बनते हैं, एंजाइम्स भी उसी से बनते हैं. आपकी जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसमें बहुत बड़ा उसका रोल होता है, क्योंकि आप काफ़ी, और इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जहाँ तक बात सप्लीमेंट्स की आती है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करके बोलूँगा कि हम सब लोगों को बचपन से ही खेलने कूदने की आदत बहुत है, इसीलिए हम जिम में तो वर्कआउट कर लेते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से लोग बातें बोलते हैं हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा या हमारा पोस्चर अजीब सा है, वो इसलिए कि उनका न्यूट्रिशन जो है उस पर कभी उन्होंने फोकस नहीं रखा हुआ. जो मन करता है, जहाँ मन करता है वो खाते हैं. वेरी राइट. तो इसीलिए फिर बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोटीन एक नॉर्मल इंसान ले जो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. वो डिफर करता है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से भी एंड आपका एक्टिविटी लेवल के उसके हिसाब से भी, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोथ प्रोटीन से ही होती है, सिर्फ प्रोटीन से नहीं होती, पूरा बैलेंस डाइट चाहिए होती है, बट प्रोटीन को हम भूल जाते हैं.
नहीं लेते। हम ये सोचते हैं प्रोटीन है तो ये जिम वाले का है और हम जिम नहीं करते हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेकार एक मिथ लोगों के माइंड में है। ओके सो अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करूं तो एक डॉक्टर हैं एक डाइटिशियन हैं, तो उनका साथ मिलने से आपको कोई बेनिफिट हुआ एज कम्पेयर टू अनदर एथलीट्स? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि आप देखो आज के टाइम में एक जो कंपटीशन लेवल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया में, तो खासकर बाहर तो है ही बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर क्लासिक फिजिक के एथलीट्स देखोगे, बॉडी बिल्डर्स देखोगे, और अगर आप फिजिक एथलीट देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपेरेटिवली। एंड होता क्या है उन एथलीट्स के साथ इशू क्या होता है, उन एथलीट्स को मेजरली प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की। ट्रू, कि उनको ये लगता है अब जैसे वो पर्टिकुलर स्केड्यूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स डाइट के फॉलो कर रहे हैं, अब उनके लिए ऑप्टिमम क्या बेस्ट है वो उनको पता ही नहीं लग पाता। बहुत साल ट्राई टेस्ट करने फेल होने के बाद पता लगता है कि हमारी बॉडी तो ऐसी हमारे लिए अच्छा होगा, तो उसका मुझे फायदा मिल जाता है कि मेरे को उतना भटकना नहीं पड़ता। बाकी एथलीट्स भटकते बहुत हैं जिनको गाइडेंस का इशू होता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं होता। मेरे केस में होता यह है कि मेरे को हर चीज़ मिल जाती है, बस मुझे करना होता है। एंड बहुत जगह आप देखोगे जिनके पास गाइडेंस नहीं होती या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, एंड जिनके पास रिसोर्सेज सारे होते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं वो हार्डवर्क ही नहीं करते, वो बहुत सिक्योर है, उनको लगता है सब कुछ तो है क्या करना है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। राइट 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 राइट। सो सागर आपके फर्स्ट कोच कौन रहे हैं, आपके फादर या कोई और? मेरे फादर ही रहे हैं शुरुआत से। अच्छा, और अगर मैं बात करूं अगर आप अपने फादर के अलावा किसी और से ट्रेनिंग लेना चाहो तो वो कौन होगा और क्यों? सी मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, उसका रीज़न ये है कि मैं अपने फादर को इतना कैपेबल समझता हूँ। okay. देखो मेरे फादर ने इन्हें बेस्ट ऑफ एथलीट्स बनाए हैं ऑलरेडी जी, एंड लोग इस बारे में जानते भी हैं। मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं जो पर्टिकुलरली कोच है, क्योंकि होता क्या है इसमें भी कि जब आप कोच चेंज करते हो तो वो जो दूसरा कोच है उसको आपकी बॉडी को जानने में, तो बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, बॉडी टाइप कैसा है, उसमें भी उसको बहुत टाइम लगता है। एंड हर पर्टिकुलर कोच का तरीका अलग होता है। एंड मैंने काफ़ी कोचेस के तरीके देखे हैं, मैंने किसी के अंदर ट्रेन नहीं किया है, बट हर कोच का एक डिफरेंट तरीका होता है। एंड मैंने उसमें जो इंट्रोस्पेक्ट करा वो ये करा कि मेरे फादर का तरीका बहुत सेफ है कंपैरेटिवली, एंड वो जो मेरे लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, रीजन बीइंग कि मैं खुद का बेटा भी हूँ। करेक्ट, तो वो मेरे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी कोचेस करते हैं एक्सपेरिमेंट, उनको होता है कि हम कुछ अलग बनाएं, वो उनके लिए एक एथलीट नहीं प्रोडक्ट होता है। ट्रू, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मेरे को इस चीज़ का बहुत बेनिफिट रहता है। एंड मेरे फादर का सबसे बेस्ट स्पेशलिटी ये है कि हर एक एथलीट को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। वेरी नाइस, तो वो बहुत सेफ और बहुत एक बिल्कुल सेफ तरीके से चलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं, तो मैं कभी दूसरे कोच के बारे में नहीं सोचता। ऑलराइट ऑलराइट। सागर आजकल एक नया मार्केट में फैशन ट्रेंड स्वैग ये आ गया कि हमें हर एथलीट को आजकल प्रो कार्ड चाहिए, सो आपका क्या फंडा है उसमें? सी प्रो कार्ड ऑब्वियसली जीतना आसान नहीं है। जब शुरुआत प्रो कार्ड इंडिया में आया था तब हो सकता है कि वो जीतना तब आसान हो, क्योंकि तब लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि प्रो कार्ड की वैल्यू क्या है। ट्रू, फिर प्रो कार्ड ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली, लोगों को समझ में आ गया कि हाँ प्रो कार्ड एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है, और इससे लोगों के करियर्स बन जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शुरुआत में प्रो कार्ड जीते हैं उनका स्टेटस सिंबल एज एन एथलीट बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड इसीलिए हर एक पर्टिकुलर एथलीट ने फिटनेस में जो कि अच्छी बात दी है कि एक स्कोप आया जहाँ पे लोगों का मन करा कि हम जिम जाएंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे, हम एक एथलीट बनेंगे। राइट, बट उसमें जो अब मैंने जो परसेप्शंस और जो मैंने थिंकिंग देखी है, जैसे लोग ये सोचते हैं कि प्रो कार्ड जीतने आगे क्या करना है, उन्हें नहीं समझ में आता, उनको लगता है कि बस प्रो कार्ड तक ही गेम है इनकी, ये आगे जाएंगे ही नहीं। बट इसके अलावा और बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं कुछ एथलीट्स को जानता हूँ जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और प्रो कार्ड जीते हुए हैं, उनको सिंपली माइंड में उस टाइम पर उनका थॉट ये होता है कि चलो हम प्रो कार्ड के बाद हम आगे करते हैं, हम आगे कम्पीट करते हैं, ओलंपिक के क्वालिफाई करना है, बट उसके लिए उनका ये कहना होता है कि इसके लिए तो पैसा बहुत लगता है, आप बाहर फॉरेन में शो खेलोगे, आपको सारा ब्रांड हर तरीके से नहीं स्पॉन्सर कर पाता, उसके बाद अब आप वहाँ पहुँच गए तो वो वहाँ कहते हैं आप पॉलिटिक्स बहुत होती है कंट्री के नेम पे, रेस के नेम पे, कलर के नाम पर, तो वो एथलीट बहुत ज़्यादा ना फिर डिमोलाइज हो जाता है जो जन्मिन एथलीट है कि फ़ायदा क्या है, इतने साल आप इतने, देखो सबसे महंगा स्पोर्ट है ये, यहाँ पर डाइट का खर्चा अलग है, आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं होगी तो भी आपकी परफॉर्मेंस से फ़र्क आएगा, फिर उसके अलावा अलग सप्लीमेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत खर्चा होता है, तो गेम वैसे भी इतनी सस्ती तो है नहीं, बहुत महंगी ही गेम है। एंड अगर आप किसी कोच से अगर आप अंडर भी उसके ट्रेन करते हो उस कोच की फीस भी होती है, राइट, तो आपको उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं है, एक नॉर्मल एथलीट की, एक अच्छे एथलीट की उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, उसको बिजनेस भी देखना है अपना,
तो फिर वो डिमोलाइज हो जाते हैं कि यार इतना पैसा खर्च के हम जाएं, वहाँ पे प्लेसिंग आनी है नहीं आनी कुछ पता नहीं, और प्लेसिंग आ भी जानी है तो यहाँ क्या है क्या आने होगा, तो वो काफी डिमोलाइज हो जाते हैं। बट एट द सेम हैंड काफी लोग हैं जो करना भी चाहते हैं, शायद कर भी लें। राइट, तो ये उनके थॉट के ऊपर होता है कि उनके पास उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका बैकअप कैसा है। सो आपने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया प्रो कार्ड को, तो कभी आपने अपने डैड को अप्रोच नहीं किया कि चुपके से एक प्रो कार्ड मेरे को भी दे दो? प्रो कार्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर चुपके से मिलना शुरू हो जाए। राइट, देन प्रो कार्ड उसी को मिलना चाहिए वेल डिजर्विंग हो, ठीक है, वो चाहे किसी का भी बेटा हो या किसी उस किसी का भी क्लोज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रो कार्ड उसी को मिलेगा जो अल्टीमेटली बेस्ट होगा, एंड उसमें जजेस की अपनी एक नज़र होती है, वो एक सेकंड में पता लगा लेते हैं कि किसकी बॉडी कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि अगर पांच बंदे आपके आगे खड़े हों जो पोज कर रहे हों, नॉर्मल बंदा बता ही नहीं सकता कि कौन बेस्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें बारीकियाँ होती हैं, आपको इतना कुछ देखने के बाद आपको फटाफट आना पड़ता है, तो जजेस के पास वो चीज़ होती है। राइट, सो सागर, अगर मैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ बहुत से लोगों ने प्रो कार्ड अब ले भी लिया है। सो प्रो कार्ड लेने के बाद में वो क्या कर रहे होते हैं उस प्रो कार्ड के साथ में? या तो वो सप्लीमेंट का अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं या कोई अपैरल इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे होते हैं। सो प्रो कार्ड लेने का फायदा क्या हुआ फिर? जी, जो प्रो कार्ड लेने का फायदा, जब तक उन्होंने प्रो कार्ड नहीं लिया तब तक दिखता था। अच्छा, उसके बाद जब नाम हो गया ना, तो जब हम फेमस हो गए, वो प्रो कार्ड जीत गए, तो उनको भी पता है कि प्रो कार्ड जीत के अगर आगे कुछ करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। ट्रू, अल्टीमेटली, क्योंकि आपकी मेहनत भी एक तरफ है अगर पैसा नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के आप इस गेम में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड बहुत से लोग, नॉर्मल लोग, वो सफर करते हैं, उनके पास गाइडेंस लेने के लिए पैसा नहीं है, एक कोच के जाने के लिए पैसे उनके पास नहीं होते इतने, तो वो जब अपना जो भी बिजनेस करते हैं वो उनका अलग वो होता है, बट देन अब उसमें उनकी थिंकिंग एग्जैक्टली क्या है कि उन्हें सिर्फ पैसा ही कमाना है। काफ़ी एथलीट्स सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं प्रो कार्ड जीतने के बाद, एंड काफ़ी ये चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएं। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप प्रो कार्ड जीतने के बाद अगर आप बिजनेस रन करते हो या बिजनेस में घुस जाते हो, तो जब तक आपका बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने गेम पर ध्यान नहीं दे पाओगे। गेम पर ध्यान तभी दे पाओगे आप जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी नहीं है, मेरे पास हैं लोग जो उसको मैनेज कर सकें। तो इसमें एथलीट का अपना डिफरेंट होता है, किसी को कोई आगे जाना चाहता है, कोई चाहता है कि नहीं बस अब नाम कमा लिया मैं पैसे कमाऊं। ठीक है, अच्छा, अगर पर्सनली अब आपके खुद की फिटनेस जर्नी की बात की जाए तो आने वाले टाइम में आपके खुद के क्या टारगेट्स हैं? फॉर नाउ यस, अभी मेरे को तो सिर्फ मैं आगे जाके मैं जो भी कॉम्पिटिशन में कम्पीट करूंगा या जो भी मैं अभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मैं प्रो कार्ड के लिए कर रहा हूँ। ठीक है उसमें अगर मैं बेस्ट होऊंगा तो मिल जाएगा, अगर बेस्ट नहीं होऊंगा तो नहीं मिलेगा, बट कोशिश उसके लिए पूरी करूंगा। तो आप किस कैटेगरी में प्ले करेंगे? क्लासिक फिजिक। ओके, अक्सर लोग अपनी अचीवमेंट्स को ज़्यादा इन्हेंस करके दिखाते हैं हर जगह पर कि हमने ये विन किया, वो विन किया। हाँ जी, आई एम श्योर कभी ना कभी आपको डिफीट भी देखनी पड़ी होगी किसी कॉम्पिटिशन में, तो कैसे आप उस सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं अपने माइंड में और फिजिकली भी? सी, मैंने पहला कंपटीशन खेला था 2015 में दिल्ली स्टेट बेंच प्रेस का। ओके, तो वो मेरा पहला कंपटीशन था, तो मुझे दो दो तक एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी प्लेस भी कोई आएगी। ठीक है, बट मैं सेकंड आ गया था उसमें, एंड मैं उसमें बहुत खुश हो गया था। बट घर जाके बुरा लगना शुरू हुआ, मैंने कहा यार सेकंड आ गया तो फर्स्ट भी आ सकता था। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी गेम को समझना शुरू करा, इसमें कॉम्पिटिशन क्या है, मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो गुरुजी और मैं बैठ के इस बारे में डिस्कस करते थे पर्सनली कि कैसे और क्या चीज़ करनी है, कौन सा शो हमें टारगेट करना है, उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसमें हर चीज़ डाइट के अलावा बाकी चीज़ें वगैरह भी। बट देन जस्ट बिकॉज कि मैं जूनियर था, तो अगला कॉम्पिटिशन मेरा जो हुआ फिर जो मैंने खेला उसके बाद, मतलब दिल्ली स्टेट कॉम्पिटिशन के बाद मैं दोबारा मैं डिफीट देखी नहीं। आई सी, 2015 में मैंने कॉम्पिटिशन पहला खेला, फिर 16 में भी खेले दो कॉम्पिटिशन, फिर 17 में भी दो खेले मैंने, बट फिर मुझे डिफीट देखने को नहीं मिली, मैं सब में मैं फर्स्ट ही आता था। राइट, सो आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी प्लीज़ बता दीजिए। तो बेसिकली मैं एक फॉर्मर पावर लिफ्टर रह चुका हूँ, एंड मैंने दिल्ली स्टेट जीता हुआ है, नेशनल कॉम्पिटिशन जीता हुआ है, इंडिया में हाईएस्ट रिकॉर्ड भी एक तरीके से मैंने सेट कर दिया था, उसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर था, उस चक्कर में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं लिखा था मेरा। एंड उसके अलावा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेला हुए हैं, वहाँ पर मैंने सीनियर अफगानी दिरानी उसको डिफीट करा हुआ है, वो भी हैवी वेट कैटेगरी में। एंड फिर धवन सर ने कॉम्पिटिशन कराया था वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग यूनियन, उसमें भी मैंने कम्पीट किया, उसमें भी मैं फर्स्ट आया, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी।
ऑल दो वहाँ पे सारे लोग इंडियंस थे बट सिर्फ उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप का लोग टाइटल देते हैं। एंड यस, इंडिया में अपनी कैटेगरी में मैं बेस्ट रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपके व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के लिए आपका ट्रू मैसेज क्या होगा सागर? जी, अगर आप फिटनेस, पहले तो आप अपना गोल सेट करिए कि आपका गोल किया, अगर आपको फिटनेस करनी है तो ये गेम बिल्कुल भी इम्पेशेंस होने का नहीं है। इसमें कॉन्टीन्यूस डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ता है एंड इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके डाइट के प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, आपके वर्कआउट के कैसे हैं एंड हर चीज़ को ऑप्टिमम तरीके से आप करोगे तो आपको रिजल्ट आपको जरूर उसके मिलेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सागर आज टाइम देने के लिए। यू वेलकम।